नमस्कार दोस्तों, आप और आपके पूरे परिवार को मेरी ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, आज हम जो वीडियो अपलोड करने वाले हैं दोस्तों, वो है ओगले पेवर का कन्वेयर चेन मोटर का। दरअसल दोस्तों, कन्वेयर चेन का मोटर काम करना बंद कर दिया था, रिवर्स फॉरवर्ड नहीं हो रहा था, तो हमने चेन को डिसमेंडल करके देखा तो मोटर जाम लगा। तो हमने मोटर ओपन किया है दोस्तों, और इस मोटर को हम ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है कन्वेयर चेन का मोटर और हम इसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम मोटर को ओपन कर लेते हैं, और मोटर को ओपन करने के लिए हमें चार एलंकी ओपन करना पड़ेगा, और चार एलंकी ओपन करने के बाद में हम इसे बाहर निकाल लेंगे, इसके बाद में हम डिवाइस ओपन करेंगे दोस्तों। चलिए हम फटाफट इसे ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ये मोटर जो है ओगले पेवर 1802 का है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने मोटर को बाहर निकाल लिया है और मोटर में दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम प्लानेटरी सिस्टम खोल लेते हैं। ये डिवाइस है दोस्तों, और प्लानेटरी सिस्टम निकालने के लिए हम सबसे पहले एलएनजी बोल्ट ओपन करना पड़ेगा। देख सकते हैं थोड़ा एमरी आया हुआ है ऑयल में। तो चलिए दोस्तों, ये सारे एलएनजी बोल्ट को ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद में इसे निकाल लेंगे, फिर उसमें देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्यों ये डिवाइस जाम हो रहा था। ठीक है दोस्तों, ये डिवाइस है दोस्तों ओगले का, देख सकते हैं दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन के थ्रू वो आपको मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों, और दोस्तों के साथ में शेयर करना दोस्तों। हमने इस मैकेनिक ज्ञान चैनल में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड किया है, और सारे दोस्तों मैकेनिकल से रिलेटेड ही वीडियो है व्हीकल एंड मशीनरी का। अगर आपको ये वीडियो देखना है दोस्तों, तो हमारे चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। हमने दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है, करीब दोस्तों 185 वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, और हमारे समथिंग 39,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। मेरे सारे सब्सक्राइबर दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे साथ में 39,000 लोग जुड़ चुके हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने डिवाइस ओपन कर लिया है और प्लानेटरी सिस्टम का सारे गियर टूटे हुए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, एकदम चूरा हो गया है और ऑयल भी बहुत काढ़ा है। तो इस वजह से दोस्तों, मतलब मोटर जाम हो रहा था, कन्वेयर चेन चल नहीं रहा था। तो दोस्तों ये तो पूरा बॉडी ही नया चेंज करना पड़ेगा, और प्लानेटरी सिस्टम भी, और रिंग गियर भी चेंज करना पड़ेगा। चलिए और हम शाफ्ट निकाल लेते हैं दोस्तों। हम इसके बाद जो वीडियो अपलोड करने वाले हैं, किर्लोस्कर HA694 का पंप कैसा फिटिंग करते हैं, टाइमिंग कैसा सेट करते हैं रोटरी पंप का। दोस्तों हमने किर्लोस्कर HA694 का इनलाइन पंप का एक वीडियो अपलोड किया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखा हो तो हम आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, आप टॉप में जाकर आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और हमने पिछले वीडियो में बताया था टाटा DS4 का SCR
कैसे वर्क करता है। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाकर देख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने सारा डिवाइस डिसमेंटल कर लिया है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, गुड नाइट।